अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको क्रिस्पी लच्छा पकौड़ा बनाना सिखाऊंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्रिस्पी लच्छा पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैं 3 अदद आलू लूँगी। इनको इस तरह पतला पतला काट लें। अब इनको ऊपर नीचे इस तरह रख कर जूनियन शेप में काट लें। इन्हें अच्छी तरह पानी से धोकर ड्रेन कर लें। अब इसके अंदर 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 3 खाने के चम्मच सब्ज धनिया, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, अजवाइन आधा चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, चावल का आटा 2 खाने के चम्मच, और आखिर में 6 खाने के चम्मच बेसन छान कर डालें। और अब इन्हें हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये आलूओं का अपना पानी है जो इसमें सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं, मैंने पानी शामिल नहीं किया। मीडियम गरम आयल में पकौड़े डालें। तेज़ गरम आयल में पकोड़े नहीं डालने, नहीं तो उन पर फ़ौरन कलर आ जाएगा और वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। एक साइड पर कलर आने के बाद इनको पलटें। और पकने के बाद इनको निकाल लें। आप इस तरह चम्मच की मदद से भी पकौड़े डाल सकते हैं। इन पर भी कलर आने के बाद इनको निकाल लें। आपके क्रिस्पी लच्छा पकौड़ा बिल्कुल तैयार हैं। आप मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करें, मुझे कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दें। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।